बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिवायतों की लज्जत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। रिवायतों की लज्जत यानी खानों की लज्जत। रिवायती खानों का जहाँ जिक्र आता है वहाँ देसी खानों का जिक्र ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आजकल के जो बच्चे हैं वैसे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और जंक फूड के शौकीन हैं, लेकिन हम कितना भी फास्ट फूड और जंक फूड खा लें जब तक हम अपना घर का बना हुआ देसी खाना नहीं खाते तब हमें सुकून ही नहीं मिलता। और सुकून मिल भी कैसे सकता है क्योंकि हम बचपन से ही अपनी दादी के, अपनी नानी के और अपने बड़ों के हाथों का बना हुआ खाना खाते आए हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूं कि रिवायती प्रोग्राम है ये हमारा, जो शो हम आपके लिए लेकर आए हैं इसमें रिवायती खानों के साथ साथ देसी खाने भी मज़े मज़े के हम आपको बनाना सिखाते हैं। जहाँ देसी खानों का जिक्र आता है वहाँ पर बीफ, निहारी, हलीम और पाए का जिक्र ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आप मुझे ये बताएं कि हम जो पाकिस्तानी हैं वो अपने घरों में क्या फरमाइश करते हैं। अगर पूछा जाए कि भाई हलीम किसकी खानी है तो कहा जाता है भाई बीफ की बना लो या मटन की बना लो। यानी हम पाकिस्तानी हैं जो ज़्यादातर शौकीन हैं वो बीफ और मटन के। अब इतना ज़्यादा बीफ और मटन का जिक्र हो गया है तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हमारे किचन में कुछ बीफ या मटन से रिलेट होने वाली कोई चीज़ बनने वाली है। प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर और हमारी आज की जो शेफ़ है उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो हमारे किचन में क्या बनाने वाली हैं। तो हमारे साथ मौजूद है शफ़क शुजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सोबिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत से। और बताइए। शफक का मैं बताती चलूँ कि आज उनसे हमारी दूसरी मुलाकात है, दूसरी बार हमारे शो में आई हैं और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अच्छा शफक मुझे बताएं हमारे किचन में आज क्या बनाने वाली है। बहुत ही कोई लंबी सी लिस्ट है यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की। आज मैं कीमे की एक नई डिश इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ अपने व्यूवर्स को, क्योंकि व्यूवर्स तो ज़्यादातर आलू कीमा और कढ़ाई कीमा और दम का कीमा ये सब चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, मगर आज मैं इनके लिए लेकर आई हूँ अगवानी कीमा। और बिल्कुल यूनिक सी डिश है और ऑसम टेस्ट है इसका। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब व्यूवर्स ये ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर तो खाने के साथ साथ अपनी उंगलियाँ भी चाट जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा शफक मुझे ये बताएं कि स्टार्ट करने से पहले कि ये जो रेसिपी है ये कहाँ से बिलोंग करती है, इसके बारे में आपको कुछ पता है या आपने कहीं खाई थी, कहीं टेस्ट की थी तो आपको मज़े की लगी और आपने खुद इसको एक्सपीरियंस किया या कहीं से सीखी है? एक्चुअली ये अगवानी डिश है और अगवानी खानों में हमारे यहाँ लाल मिर्च से ज़्यादा जो है वो काली मिर्च का इस्तेमाल होता है। और मुझको ये डिश जो है ना मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने एक कुजीन में खाई थी और फिर मैंने इसको ट्राई की घर में तो मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आई। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपने व्यूवर्स को भी इस रेसिपी को शेयर करूँ और ताकि मेरे व्यूवर्स भी खाएं और वो भी ट्राई करें और फिर वो भी मुझे दाद दें। तो मतलब आपने कहीं बाहर ट्राई की थी, इसका मतलब आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप कहीं खाना ट्राई करती हैं और उसको घर में आके और बना सकती हैं। जी बिल्कुल, इसलिए कि देखिए हम रोज़ रोज़ बाहर के खाने नहीं खा सकते और हमें नहीं पता होता कि बाहर के खानों में किस तरह का ऑयल यूज़ हो रहा है जो हमारी सेहत के लिए इतना सही नहीं है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादातर वो खाने जो हमारे घर वाले बाहर जाके खाना चाहते हैं वो ऐसे ही हम अपने घर में बनाएं और हमारे घर वाले बाहर ना खाना बनाने का दिल ना चाहे तो बाहर से ऑर्डर कर लें। अच्छा शफक मुझे ये बात बताएं कि आपने जब इसको घर पर ट्राई किया था तो पहली बार में ही बन गई थी या इसको दो तीन बार आपको बनाना पड़ा था? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने पहली ही दफ़ा में माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि सबको बहुत पसंद आई। चलें ठीक है, फिर जब इतनी पसंद आई थी और पहली बार में बन गई थी तो इसका मतलब बहुत आसान सी रेसिपी होगी, तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताएँ कि हम क्या करेंगे सबसे पहले? देखिए इसके लिए सबसे पहले जो है हमने बीफ का आधा किलो कीमा लिया है, ठीक है, और इसके साथ जो है हमने यहाँ पर कुछ हमारे स्पाइसेस रखे हैं जिसमें काली मिर्च पिसी हुई है और चाट मसाला है और ये हमारे पास जो है गरम मसाला भी है इधर मौजूद और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट रखा हुआ है ये भी हम यूज़ करेंगे। नमक तो हमारे हर इंग्रेडिएंट्स में शामिल ही होता है, उसके बगैर तो डिश नामुकम्मल है। और उसके साथ यहाँ पे जो है
हमारे पास छोटी इलायची है, तेज़पात का पत्ता है, दालचीनी, लौंग और पिसा हुआ ज़ीरा, ये सब चीज़ें हैं। और ये हम अभी जब अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे और फिर उसके साथ साथ भी अपने व्यूअर्स को बताते रहेंगे ताकि वो ये रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स को भूलें। ठीक है, तो पहले इसका मैरिनेशन होगा या डायरेक्ट हम स्टोव पे इसको स्टार्ट करेंगे? नहीं, इसमें हम डायरेक्ट स्टोव पे स्टार्ट चलें तो फिर आज है। ठीक है, सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम? सबसे पहले हम इस कीमे को गलाएंगे और सबसे पहले मैं ये कीमा जो है इस पतीली में डालूंगी। इसके साथ ही जो है मैं थोड़ा सा ऑयल लूंगी। ठीक है, और हम पानी लेंगे। ठीक है, ऑयल में डायरेक्ट कीमा जाएगा जी। अच्छा, वैसे बहुत मजे की बात है कि नॉर्मली जब लोग कीमा बनाते हैं ना जी, तो उसमें प्याज और टमाटर बहुत ज्यादा नजर आ रहा होता है, लेकिन आपके इंग्रेडिएंट्स में वो नहीं है, ये तो मैंने मतलब ये भुना भुना सा होगा जी। नहीं, इसके लिए हम ग्रेवी भी बनाएंगे। अच्छा, और वो हम आपको बताते रहेंगे। इसमें मैंने ये देखें आधा कप जो है वो पानी ऐड किया है और हम अब इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ जो है हम इसको गलाएंगे। ठीक है, कीमे को गलाने जी, रख देंगे। ये तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट इसको गलाने में लगेंगे और उतनी देर में हम लोग अपना हरे मसाले का पेस्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि ये हमने बीफ लिया है और बीफ को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको हमने पानी डाल के और रख दिया है। इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा। जी हाँ, अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। कितना जाएगा? इसके अंदर 2 खाने के चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। ओके, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा पानी के अंदर कीमा डाल के और इसको हम रख देंगे। अच्छा, इसमें सॉल्ट शामिल नहीं करेंगे अभी या करेंगे? जी, इसके अंदर हम अभी सॉल्ट भी शामिल करेंगे। ठीक है, ताकि वो सॉल्ट का जो नमकीन का फ्लेवर होता है वो कीमे में अच्छे से आ जाए। जी। अच्छा शफक, इसके बाद हमने जो ग्रेवी तैयार करनी है उसके लिए आपने काफी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। तो दही से बनेगी इसकी ग्रेवी? जी, इसकी ग्रेवी जो है ना वो हरे मसाले से बनेगी। अच्छा, और दही से बनेगी। सही। अब इसके अंदर मैंने सोबिया पहले कीमा लिया, फिर उसके अंदर मैंने पानी ऐड किया और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, नमक डाला है। अब मैं इसके अंदर ऑयल 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूंगी ओनली। ठीक है, सही हो गया। और अब इसको कवर करके और पकने के लिए छोड़ पकने के लिए मैं इसको रख रही हूँ। ठीक है, प्लेट दे दूँ मैं आपको ताकि आप ये रख सकें। थैंक यू सोबिया। खाना बनाते बनाते हाइजीन का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में हम खाना बनाते ही इसीलिए हैं ताकि साफ सफाई से बना सकें और उसको खा सकें। अब हम क्या करने वाले? अब हम हरा मसाला तैयार करेंगे और हरे मसाले के लिए हम सबसे पहले जो है 2 प्याज लेंगे, आधी गड्डी हम हरा धनिया की लेंगे और 7 हरी मिर्चें लेंगे, जिससे हम अपना हरा मसाला तैयार करेंगे जब तक हमारा कीमा गल रहा है। ठीक है, और हम अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं तो करेंगे। इसको ब्लेंड करने वाले? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब हम हरी मिर्चे, प्याज और हरा धनिया लेके इसको ब्लेंड कर लेंगे और ये इसका पेस्ट बन जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या शामिल करने वाले हैं हम। ये मुझे दे दे, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं, कोई काम मैं भी कर लूं ना सेट पे। थैंक यू, बस हो गया। हो गया, ठीक है। ये हमने इसके अंदर जो आपने ग्रीन चिलीज ली है वो कितनी ली है? मैंने 7 ली है। 7 ली है, ठीक है। और ये मैंने आधी गड्डी हरा धनिया की लिए और डंडी के साथ ली है। ठीक है ना, ये डंडी के साथ इसको यूज करने का क्या टिप है ये थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली सोबिया, कुछ हर चीज का ना हर्ब्स के कुछ टेस्ट होते हैं, तो लीव्स की अपना टेस्ट है और उसके साथ उसकी स्टेम का अलग टेस्ट है। अच्छा, तो इसको बस अच्छे से वॉश करके और हम इसको यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। प्याज शामिल नहीं किया आपने? प्याज भी शामिल कर दी। प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी थी पहले। ओके जी जनाब, तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये पेस्ट तैयार हो रहा है और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं शफक हमें बताएंगी। तो भी हमने इसका ना बहुत ही फाइन सा पेस्ट बना लिया। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और हम वैसे इसमें पानी शामिल करने की जरूरत तो नहीं थी ना? नहीं,
क्योंकि प्याज के अंदर ऑलरेडी पानी मौजूद था तो हमें इसके लिए, और अगर जरूरत हो समटाइम्स तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना थोड़ा सा पानी की जरूरत हो तो। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसके लिए हरा मसाला तैयार करेंगे अलग लिट उसमें। ठीक है, अब हमने अलग एक पतीली ले ली, उतनी देर में हमारा वो कीमा वहाँ पे तैयार हो रहा है। ठीक है, उसको देखूं मैं थोड़ा सा। ओके, अभी उसमें पानी है और हमें उसको उस वक्त तक पकाना है जब तक उसके अंदर से सब पानी खत्म ना हो जाए। ठीक है, पानी खुश्क हो जाएगा और कीमा भी गल जाएगा तब तक। ऑलराइट, अब क्या करने लगे हम? अब हम हरा मसाला तैयार करने लगे हैं। ठीक है, इसके लिए भी ऑयल की जरूरत होगी आपको? जी, इसके लिए हम मक्खन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये रेसिपी बहुत डिफरेंट है और हर दफा जो है वो व्यूवर्स को चौंकाएगी। ये भी वो तो इंग्रेडिएंट्स देख के, मैंने आपको कहा ना बड़ी मजे मजे की चीजें रखी हुई है, अब देखते हैं कि कौन सी चीज ऐड होती, क्योंकि है। वो नहीं इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि एक कीमे की डिश में जो है वो ये चीज भी डल सकती है। तो आपने नट्स भी रखे हुए हैं और सबसे मजे की बात ये कि चीज़ों को जो शामिल करना है वो इसकी एक साइंस होती है। खाना बनाने को भी कहा जाता है कि एक साइंस होती है, ऐसा नहीं है कि बस आपको इंग्रेडिएंट्स पता चल गए और आपने सबको मिक्स कर दिया और हो गया। नहीं, कौन सी चीज़ आपने कब ऐड करनी है ये भी बहुत ज़रूरी है। अब हमने 2 खाने के चम्मच जो है वो मक्खन लिया है, 2 या 3 खाने के चम्मच आप मक्खन ले सकते हैं इसमें। और इसी तरह हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। आपने देखा कि ऑयल मैंने उसमें भी डाला है और अब मैं इसमें डाल दूँ, इसमें भी डाल रही। ठीक है, ये मुझे दे। तकरीबन 1/2 कप जो है वो हमने इसमें ऑयल यूज। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको यहाँ से, आप मुझे बता दें। अभी जब ये हमारा जो बटर है वो अच्छी तरीके से इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने गरम मसाले और जब हम हल्की आँच कर देंगे। अब इस बोल का काम तो नहीं, इसको हटा देती हूँ ताकि सफाई हो जाए थोड़ी सी साथ साथ। थैंक यू सोबिया, कुछ काम मैं भी कर लूँ ना वरना अब मैंने इसके अंदर 4 इसके अंदर मैंने लौंग डाली है और इसके अंदर मैं 2 इसमें मैं हरी मिर्चे वो मैं इसमें छोटी इलायची ऐड कर रही हूँ और इसके साथ मैं 2 तेज़पात के पत्ते लूँगी। ओके, बस यही शामिल करना है और इसके साथ ये दालचीनी, दालचीनी जाएगी और इसके अलावा ये छोटी सी स्टिक आप इसमें ऐड कर रही है, राइट? जी। ओके। 1 दालचीनी का टुकड़ा हमने ऐड करना है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जब अरोमा सा फील होने लगेगा, खुशबू आने लगेगी इनकी, तो फिर हम इसके अंदर मजीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब तक इसका अरोमा निकल के आता है यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही मजे का कीमा हमारे किचन में बन रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, तो हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। शफक शुजा हमारे साथ हमारे किचन में मौजूद है रिवायतों की लज्जत की किचन में और हमारे किचन में आज जो है वो कीमा बनने जा रहा है, बहुत ही स्पेशल सा। जी शफक, अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या ऐड करने वाले? अब हम इसके अंदर ये हमने हरा मसाला जो तैयार किया था जिसके अंदर हमने 7 हरी मिर्चें, 1/2 गड्डी हमने इसके अंदर हरा धनिया और 2 प्याज हमने इसके अंदर डाली थी, अब हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे। हमने इसका पेस्ट बना लिया था, पेस्ट बना के जो हमने रखा था वो हम इसमें ऐड करने लगे हैं। ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे, हीट करने के बाद इसमें गरम मसाला डालकर उसको थोड़ी देर सौते करेंगे ताकि उसका अरोमा, अच्छी सी खुशबू, अच्छा सा फ्लेवर ऑयल में आ जाए। अब ये कितनी देर तक पकाना है हमने शफक? हम इसको सिर्फ 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे और दही के अंदर हम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं जिसके अंदर ये हमारे पास है गरम मसाला। ओके, जो कि हमने सिर्फ 1/2 चाय का चम्मच लेना है गरम मसाला। ठीक है, और दही हमने कितना लिया है? दही हमने 1 कप लिया है, 1 कप दही और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड करना है। वैसे शिवक, दही जब हम यूज करते हैं तो उसको क्या मलाई के साथ यूज करना चाहिए या हटा देनी चाहिए उसकी मलाई? नहीं, उसकी पकाने के लिए उसकी मलाई को हटा देना चाहिए, मतलब ऑयल वो भी अलग से छोड़ेगा तो वो हमारे खाने के इंग्रेडिएंट्स को खराब कर सकता है। ठीक है, ओके। चाट मसाला भी जाएगा इसमें? वैसे चटपटे जो खाने होते हैं उसमें लेमन और चाट मसाला जब तक ना हो तो मज़ा ही नहीं आता और चटखारेदार खानों के तो हम बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं,
चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला मैंने इसके अंदर एक चाय का चम्मच डाला है। अब मैं इसके अंदर पिसा हुआ जीरा डाल रही हूँ, वो भी आधा चाय का चम्मच लिया है मैंने। पिसा हुआ धनिया ले रही हूँ, वो भी मैं आधा चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ। इसको मैं मिक्स करूँ जब तक? जी बिल्कुल। सफेद मिर्च भी इसके अंदर आधी चाय का चम्मच जा रही है। ओके, सफेद मिर्च हमने आधी ही चाय का चम्मच काली मिर्च भी ऐड। अच्छा शफक, इसमें काली मिर्च और सफेद मिर्च दोनों क्यों यूज हो रही है? दोनों के अपने अलग अलग फ्लेवर हैं और दोनों को, दोनों अफगानी डिश का एक हिस्सा है। अच्छा। जो मोस्टली अफगानी डिश में सफेद मिर्च काली मिर्ची ऐड की जाती है। अच्छा, वैसे मैंने ज्यादातर देखा है कि अगर ब्लैक पेपर यूज करते हैं तो व्हाइट पेपर यूज नहीं करते। अगर जिस खाने में व्हाइट पेपर यूज करते हैं तो ब्लैक पेपर को जो है वो स्किप कर दिया जाता है, लेकिन आपने इसमें दोनों ही ऐड किए हैं और इसीलिए ये आप खाने के बाद बताइएगा कि इन दोनों के ऐड होने से टेस्ट इनहेंस हुआ है कि नहीं। बिल्कुल, ये तो मुझे अभी से पता चल रहा है। चाट मसाला इसमें जा रहा है, हरा मसाला जो है उसको हमने बनाया है, कीमा यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, कीमा हमारा डन हो गया है ना? जी, कीमा हमारा डन है। वो अच्छे से हमने पानी उसका खुश्क करके उसको भून लिया है। अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए थे। वो तो मुझे वैसे भी पता चल रहा है क्योंकि हरा मसाला इसमें हमने ऐड किया है, चाट मसाला भी इसमें गया है और अभी से ही बहुत मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। शफक, कितनी देर इसको पकाएंगे क्योंकि हमें रेसिपी कार्ड की तरफ जाना है। बस हमने इसके अंदर ये 2 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए हमें, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड किया है हरा मसाला और दही का मसाला। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे जो हमने भून कर रखा हुआ है अलग। ठीक है, तो शफक इसमें जब तक कीमा ऐड कर रही हैं, यहाँ वक्त हुआ है रेसिपी कार्ड के रिव्यू का। तो नाज़रीन, अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अगर किसी से कुछ मिस हो गया है तो जल्दी से जाएं और रेसिपी कार्ड का रिव्यू करके जल्दी से वापस आ जाएं। अफगानी कीमा। अच्छा, कीमा आधा किलो, तेल आधा कप, मक्खन 3 खाने के चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी 1 कप, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, हरा धनिया 1 गड्डी, काजू 5 अदद, बादाम 5 अदद, पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ जीरा आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, दही आधा कप, क्रीम आधा कप, कसूरी मेथी आधा चाय का चम्मच, कोयला 1 अदद, खड़ा गरम मसाला, दालचीनी 1 अदद, लौंग 4 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, तेज पात के पत्ते 2 अदद, काली मिर्च 4 अदद। गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च, लीमू और हरा धनिया दरकार है। तरकीब, सबसे पहले एक पतीली लेंगे, उसमें कीमा, लहसुन अदरक का पेस्ट और पानी डालकर 15 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। उसी दौरान हम हरा मसाला तैयार कर लेंगे, जिसमें हम प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया लेंगे और पीस लेंगे। काजू और बादाम को भी ग्राइंड करके उसका भी पेस्ट बना लेंगे। फिर कीमे को अच्छी तरह से भून कर रख देंगे और एक नॉन स्टिक पैन में ऑयल या मक्खन गरम करके खड़ा गरम मसाला डालकर खुशबू आने तक पकाएंगे। फिर हरा मसाला डालकर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें दही शामिल करेंगे, उसके बाद इसमें पिसी हुई काली मिर्च, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ जीरा, चाट मसाला, गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल देंगे। हल्का सा भूनकर फिर काजू और बादाम का पेस्ट भी इसमें शामिल कर लेंगे और क्रीम डालकर 2 मिनट तक भूनकर डिश आउट कर लेंगे। फिर जायके को बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देंगे और कोयले की धुनी देंगे। प्याज, हरी मिर्च और लीमू से गार्निश करें। मज़ेदार अफगानी कीमा तैयार है। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड के रिव्यू से हम वापस आ गए हैं और अगर जिससे कोई चीज़ मिस हो गई हो, कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया होगा, तो आई एम श्योर उन्होंने नोट कर लिया होगा। शफक हमारे साथ मौजूद है। शफक, कीमा कहाँ तक पहुँचा, जरा इसकी शक्ल भी दिखाएं और क्या करने वाले हैं आगे हम इसमें? ये आप इस कीमे की शक्ल, इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। ठीक है, और अब हम इस स्टेज पे हम क्या करने वाले हैं? अब हम इस स्टेज के अंदर, हमने 5 बादाम और 5 काजू लेकर एक पेस्ट बनाया है फाइन सा, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, ये बादाम और काजू का पेस्ट है। अच्छा शफक, इसको पेस्ट हमने किस तरह बनाया, इसमें और भी कोई चीज ऐड की है, किस तरह से ये इस तरह लिक्विड की फॉर्म में आ गया? हमने पहले इसको पाउडर फॉर्म में करके और फिर हमने इसके अंदर
3 टीस्पून हमने इसके अंदर पानी ऐड करके और उसका पेस्ट बना लिया था। ठीक है, जबरदस्त। तो इसमें थोड़ा सा इसको पाउडर बना के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका लिक्विड फॉर्म में पेस्ट बनाएंगे और वो भी इसमें जाएगा। अब ये इंग्रेडिएंट से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितना ही यूनिक ये कीमा बनने जा रहा है, कितनी डिफरेंट सी रेसिपी है। थोड़ी सी चुटकी भर कसूरी मेथी डालेंगे। ठीक है, एक चुटकी। एक चुटकी इस तरीके, बिल्कुल खुशबू के लिए, राइट? खुशबू के लिए। जबरदस्त कसूरी मेथी, खुशबू तो वैसे ही बहुत मजे की आ रही है। और अब हम इसके अंदर ये क्रीम ऐड कर रहे हैं। क्रीम ऐड करेंगे, वाओ। तो ये क्रीम हमने कितनी ली है? ये हमने इसके अंदर हाफ प्याली ली है। ठीक है, हाफ कप हमने क्रीम लिया है, क्रीम को इसमें ऐड कर दिया है। अब कितनी देर इसको पकाएंगे हम? अब हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और हम इसकी गार्निश करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। तो मेरे ख्याल से ये जो मज़ेदार चटखारेदार कीमा जो है वो तैयार हो गया है। अभी से ही बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और इसकी शक्ल भी बहुत मज़े की लग रही है। और वैसे भी हम जो पाकिस्तानी लोग हैं, आपको पता है बीफ और मटन के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। अच्छा शफक, मुझे एक और बात बताएं कि क्या हम इसको चिकन में भी बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम इसको चिकन में भी बना सकते हैं, अगर हमें बहुत कम वक्त में हमने इस डिश को तैयार करना है, क्योंकि चिकन का कीमा इतना टाइम नहीं लेता जितना टाइम जो है वो बीफ का कीमा लेता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो है कि कुछ लोग बीफ और मटन पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या है? अगर वो बीफ और मटन तो चिकन में बना सकते, तो वो चिकन में बना सकते हैं। ठीक है, डन हो गया। और चिकन में भी इसी रेसिपी को फॉलो करना है, कीमे को पहले बॉईल करना है, क्योंकि मटन और बीफ को तो टाइम। चिकन के लिए हम सोबिया बिल्कुल इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल जल्दी गल जाता है, तो इसलिए हम चिकन के लिए हम डायरेक्टली उसको बनाएंगे और फिर उसमें हरा मसाला ऐड करते हैं। अच्छा ठीक है, और लहसुन और अदरक का पेस्ट आपने बॉइलिंग का जो प्रोसीजर था उसमें ऐड किया था, तो अब डायरेक्ट हम उसी में ऐड करेंगे अगर चिकन हम बनाएंगे तो। जी। अच्छा शफक, मुझे बताएं हो गया है रेडी कीमा? जी हाँ बिल्कुल। अब हम क्या करने लगे हैं इसमें? अब हम इसके अंदर ये थोड़े से कोयले की धुएं देंगे। ठीक है, आपको फॉइल की जरूरत होगी। फॉइल आई थिंक यहाँ पर नीचे है। ठीक है, तो कोयला इसी के अंदर जाएगा। वाओ जबरदस्त, आपको इसकी जरूरत है जी? तो जो सुलगने में इसको कितना टाइम लगता है कोयले को? बस इसके अंदर 2 मिनट में ये कोयला जो है ये स्टीम इतनी स्मोक, कोयला इस पे रख के और इसको कवर कर देंगे ताकि कोयले का फ्लेवर जो है वो अच्छे से इसमें आ जाए। जब हम कहीं जाते हैं और कीमा खाते हैं और उसमें बना हुआ स्टोव पे देगची में बना हुआ होता है, लेकिन कहीं कहीं कोयले का फ्लेवर जब आ रहा होता है बारबेक्यू कीमे में, तो हम सोच रहे हैं भाई ये क्या चीज़ है। तो ये वही चीज़ है शफक। इसके साथ ही शफक, टाइम बहुत कम है, जल्दी से हम इसको डिश आउट कर देते हैं तो अपने व्यूवर्स को दिखा सकें कि इसकी फाइनल पोजीशन क्या आएगी। हो गया, इसको यहीं रख दें। ठीक है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। क्रीम इसमें शामिल कर दिए हैं, नट्स इसमें गए हैं, इसके अलावा हरा मसाला जो इसका बनाया था पेस्ट बना के उसके अंदर कीमे को बनाया है। इंग्रेडिएंट्स इतने अलग, इतने यूनिक और इतने मज़े के हैं, खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, तो सोचिए खाने में ये कितना मज़े का होगा। आई मस्ट से कि आपको ये कीमा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप कीमे की कोई और चीज़ बना रहे हैं अपने घर में तो बिल्कुल उसको छोड़ दें, उसको फिर कभी बना लीजिएगा, सबसे पहले आपको इसको ट्राई करना चाहिए। जी शफक, डिश आउट हो गया जी। अब इसकी गार्निशिंग के लिए हम कुछ करेंगे। आई थिंक आपने वहाँ लेमन रखे हुए हैं, राइट? जी ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा लेती हूँ और आप इसकी गार्निशिंग कर दें। गार्निशिंग के लिए आप क्या क्या यूज़ कर रही हैं? गार्निश के लिए मैंने लेमन स्लाइसेस में लिए हैं और जूलियन कट मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं 2। ठीक है, कलरफुल और एक प्याज लिए बारीक बिल्कुल। ठीक है, ग्रीन ग्रीन चिली और हरा धनिया लिए। जबरदस्त, हम हमारे नाजरीन को दिखा सकते हैं इसकी फाइनल पोजीशन। कीमा बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़े का, और कोयले की वो जो आपने इसके अंदर कोयले का दम लगाया ना, आपको पता है उसकी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमें ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगा उनको खाकर और शफा की बनाई हुई डिश उनको कैसी लगी। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं ताकि ये जो है कैमरा पे आ जाए।
जबरदस्त सा कीमा तैयार है जी जनाब। तो अगर वीकेंड्स के लिए, अच्छा मुझे ये बताएं कि इसको खाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? पराठे? पराठे भी बहुत जबरदस्त लगते हैं इसके साथ, और नान, कुलचा नान जो होती है इस पे तिल लगी हुई, वो भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही मजे का कीमा हमारे स्टूडियो में बन गया है। अगर आप वीकेंड पे बनाना चाहते हैं तो इसको जरूर बनाएं। आपको खाना बाहर से ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है। आउटिंग पे जाना है, आउटिंग पे जाओ, घर में आके साफ सुथरा सा खाना बनाएं। और अच्छी सी रेसिपी, मजे की रेसिपी तो हमने आपको बता ही दी है। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। जाने का दिल तो नहीं चाहता लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें जाना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। इसी के साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी होस्ट सोबिया फैसल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।